हे एवरीवन, माय नेम इज सुमना सतपति। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोर स्टाइल गाइस। आज की वीडियो है लेसअप बूट्स के ऊपर, इसे पहनना किस तरीके से है, स्टाइल कैसे करना है एंड बजट में कौन सा ऑप्शन है, वो सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड अगर चैनल पर पहली बार आए हो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लेसअप बूट्स के सिर्फ एक ही कैटेगरी के ऊपर बात करेंगे, कॉम्बैट बूट्स या फिर जिसे बाइकर बूट्स भी कहा जाता है। तो गाइस, इस टाइप के जो बूट्स होते हैं ये मेनली कैजुअल आउटफिट्स में कैरी करने के लिए होते हैं। फॉर्मल या सेमी फॉर्मल आउटफिट्स के साथ ये कैरी करने के लिए नहीं होते, उसके लिए अलग से हाई टॉप वाले ड्रेस बूट्स आते हैं। कॉम्बैट बूट्स जो होते हैं वो एक रफ एंड टफ लुक देते हैं। जितने भी कैजुअल रेसिंग स्टाइल्स है ये उन सभी के साथ अच्छा दिखेगा सिवाय स्ट्रीट वेयर के। उसके लिए गाइस अलग से बूट्स आते हैं जिसका सोल जो होता है वो थोड़ा सा चंकी होता है, थोड़ा सा मोटा होता है प्रोपोर्शन मैच करने के लिए। ऐसे जो रेगुलर शेप वाले बूट्स होते हैं इन्हें आप कैजुअली किसी भी आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो चिनोस हो या फिर स्लिम फिट वाले कार्गोस के साथ भी बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इसे गाइस आप थ्रू आउट द ईयर आराम से पहन सकते हो, पर फॉल सीजन एंड विंटर सीजन में स्पेशली ये और भी ज़्यादा अच्छे दिखते हैं जैकेट्स वगैरह के साथ। बट मेक श्योर जब आप इसे पहन रहे हो इसकी जो होल बॉडी है वो अच्छे से विजिबल हो, कोई पैंट्स इसे कवर ना करे, तभी आउटफिट्स में अच्छा दिखेगा। इसके लिए आप या तो पैंट्स को कफ कर सकते हो या फिर इसे स्टैक करके भी डाल सकते हो, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी दिखती हैं। मुझे पर्सनली कफ करना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें से क्लीन लुक आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको बूट्स के साथ नो सो सॉक्स नहीं पहनना। आप मिड कफ वाले सॉक्स की तरफ जा सकते हो या फिर आप ऐसे सॉक्स चूज कर सकते हो जिसका लेंथ उससे थोड़ा ज़्यादा हो, एग्जीक्यूटिव सॉक्स। बेसिकली गाइस आपको ऐसे सॉक्स लेना है जिसका लेंथ इससे थोड़ा सा ज्यादा हो, क्योंकि जब आप बैठोगे कहीं पे देन आपका पैंट थोड़ा सा ऊपर आएगा, उस सीन में आपका स्किन विजिबल नहीं होना चाहिए, वो चीज़ थोड़ा सा और दिखता है। देन गाइस, कुछ टाइप के बूट्स में इस तरीके के लेस लूप्स दिए जाते हैं एंड कुछ बूट्स में नहीं दिए जाते। तो इस टाइप के बूट्स में आपको लेसेस किस तरह से बांधना है, लेट मी शो यू। तो गाइस, सबसे पहले एक सिंपल नॉट एंड जो फर्स्ट लेस लूप्स हैं उनके बीच में एक क्रॉस एंड जो दूसरे लेस लूप्स हैं उनके बीच अनदर क्रॉस, देन अनदर नॉट, फिर एक अंडा, दूसरा अंडा, दोनों को जोड़ो एंड सो गाइस, ये थे कुछ बेसिक चीज़ें आपको बूट्स किस तरीके से पहनना है। नाउ द क्वेश्चन इज, बूट सिलेक्शन कैसे करना है एंड बजट ऑप्शंस कौन से हैं। देखो यार, इसमें मेनली दो तरीके के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, एक होता है लेदर एंड दूसरा होता है स्वेड। बट जो लेदर वाले बूट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा वर्सटाइल होते हैं एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। देन कलर्स इसमें मेनली ब्लैक एंड ब्राउन ही सबसे अच्छे दिखते हैं। 2000 की रेंज में गाइस आपको बहुत सारे अच्छी क्वालिटी के बूट्स आराम से मिल जाएंगे, जैसे कि ये ब्लैक बूट्स है रेड टेप ब्रांड से, सुपर स्टिचिंग क्वालिटी एंड लुक्स ऑसम। देन ये ब्राउन टेक्सचर्ड वाले जो बूट्स हैं दीज आर फ्रॉम एलन कूपर ब्रांड, कंफर्टेबल है एंड लुक्स वेरी स्टाइलिश। वन थिंग गाइस, आपको हमेशा बूट्स अपनी यूजुअल साइज में ही सिलेक्ट करना है ताकि ये परफेक्ट फिट आए। कुछ ब्रांड्स में साइज स्लाइटली वेरी कर सकता है बट मैक्सिमम ब्रांड्स में जो साइज वगैरह होता है वो एकदम परफेक्ट फिट आते हैं। अनदर थिंग इज, बूट्स को कंफर्टेबल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 4-5 बार पहनने के बाद ये उतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि इसे आप ज़्यादा टाइम तक पहन पाओ। तो गाइस, सबसे पहले स्टाइल करेंगे ब्लैक बूट्स को। कॉलेज में इसे आप पेयर कर सकते हो एक चेक शर्ट एंड स्लिम कार्गोस के साथ। कार्गोस थोड़े फंक्शनल होते हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करने में हेल्प करेंगे एंड जो चेक शर्ट होते हैं उसकी वजह से आप थोड़ा सा स्मार्ट दिखोगे। देन अगर कॉलेज में कोई फंक्शन वगैरह है जहाँ पे आपको स्टाइलिश दिखना है या फिर अगर आपको कोई डेट पे जाना है, देन फुल स्लीव टी शर्ट एंड जीन्स कॉम्बिनेशन विल डू द जॉब। जैसे यहाँ मैंने ऑलिव ग्रीन कलर का डुअल कलर फुल स्लीव टी शर्ट पहना है, पर अगर ठंडी थोड़ी ज़्यादा है फुल स्लीव टी शर्ट्स की जगह पे आप कोई स्वेटशर्ट भी पहन सकते हो, क्लास से भी दिखेगा एंड ठंड से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। देन अगर आपको पार्टी में जाना है उसके लिए ऑल ब्लैक आउटफिट से बेटर चीज़ कोई है ही नहीं। ब्लैक टी शर्ट ब्लैक जीन्स कॉम्बिनेशन विल इजिली डू द जॉब। एंड अगर उस दिन थोड़ी ठंडी लग रही होगी, सिंपली टी शर्ट के ऊपर एक फ्लैनल ऐड कर लेना, एकदम स्टड दिखोगे। अरे यार, लेयरिंग से थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील होता है। देन अगर आपको इसे फॉल सीजन या विंटर्स में स्टाइल करना है, देन हुडी एंड जीन्स का कॉम्बिनेशन सबसे ईजी होता है। लाइक यहाँ मैंने एक ब्लैक हुडी को लाइट ब्लू जीन्स के साथ पेयर किया है। एंड अगर ठंड थोड़ी ज़्यादा होगी तो हुडी के ऊपर आप एक डेनिम जैकेट भी ऐड कर सकते हो, वो भी काफ़ी स्टाइलिश दिखेगा एंड ठंड से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा। ब्राउन बूट्स के स्टाइलिंग अगर मैं बात करूँगा गाइस, इसमें सबसे इजी कॉम्बिनेशन है ब्लू जीन्स एंड व्हाइट टी शर्ट। कॉलेज क्लासेस के लिए ये सबसे सही कॉम्बिनेशन है। ब्लू जीन्स को आप ग्रे जीन्स के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, वो कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा दिखेगा। एंड व्हाइट टी शर्ट को भी आप रिप्लेस कर सकते हो किसी स्ट्राइप वाले टी शर्ट के साथ, जैसे यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप वाला एक टी शर्ट पहना है। देन गाइस, अगर आपको एक थोड़ा सा स्मार्ट लुक चाहिए, देन आप ट्राई कर सकते हो चेक शर्ट एंड चिनोज वाला कॉम्बो, दैट विल डू द जॉब। ब्राउन बूट्स को आप वॉच एंड बेल्ट के साथ मैच करके भी एक आउटफिट बना सकते हो, जैसे यहाँ मैंने ब्लैक शर्ट को ऑलिव चिनोज के साथ टक इन करके पहना है विथ ब्राउन बेल्ट।
देन अगर आपको फॉल सीजन में इसे पहनना है तो फिर आप हुडी एंड जीन्स का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, लाइक यहाँ मैंने एक ब्लू स्लिम फिट हुडी को ऑलिव चिनोस के साथ पेयर करके पहना है। पर अगर ठंड थोड़ी ज्यादा है देन आप ब्राउन लेदर जैकेट एंड ब्राउन बूट्स का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, लाइक यहाँ मैंने ब्लैक टी शर्ट के ऊपर एक ब्राउन लेदर जैकेट पहना है विथ व्हाइट चिनोस एंड द ब्राउन बूट्स। सो गाइज दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, अगर हेल्पफुल लगा देन प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे स्टाइलिश, स्टे कूल।